मेहर से भाजपा के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी सत्ता पलट के खेल में सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी नजदीकियां अब जग जाहिर है। मेहर को जिला बनाने के लिए नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। देखिए खास रिपोर्ट। सियासी मौसम को भांप कर पाला बदलने में माहिर खिलाड़ी के तौर पर पहचाने जाने वाले मेहर से भाजपा के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर अपने नए ठिकाने की ओर अग्रसर है। इस बात के संकेत तो वे पहले भी कई बार दे चुके हैं। कमलनाथ सरकार द्वारा मेहर को जिला बनाने की घोषणा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। सरकार के इस फैसले के लिए मेहर विधायक ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके कैबिनेट का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने मेहर के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए एक बार फिर विंध्य प्रदेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताया। मेरा अपना एक काम था कि मेहर को जिला बनाना है मुझे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कमलनाथ जी को हजारों बार धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि देवीधाम को जिला बनाने का काम किए। अब कोई काम कर दे तो उसमें भी हम शंका की बातें लाए तो ये फिर तो किसी काम पे कुछ बोले नहीं जा सकता। ये जो दुनिया है बड़ी अजीब दुनिया है, ये तमाम लोग कुछ ना कुछ बोलते होंगे ना, सब हमारे बारे में बोलते होंगे। अब जनता से ज्यादा बेहतर आप भी जानेंगे। यदि मैं दल बदला, बीजेपी में गया, तो बीजेपी में जाके कितने कॉलेज, कितने स्कूलों को उन्नयन कराया, ग्रामीण क्षेत्र में तीन तीन कॉलेज दिया, सेंट्रल स्कूल ला दिया। अब बताने दो चार पीने का पानी हर घर में, ज्यादा ज्यादा एक साल लगेगा, एक साल के अंदर हर घर में पीने का पानी जाएगा। पहाड़ क्षेत्र में एक एक खेत पर सिंचाई का पानी जाएगा। ये तमाम जो योजनाएं लाया, यदि कुछ मैं रिस्क न लेता, कुछ मैं ये काम न करता तो ये काम संभव नहीं थे। तो मेरा राजनीति का उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैहर का विकास हो। लोग क्या कहते हैं मैं इस दिशा में कभी सोचा नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही मैहर के लोग ने ही तो मुझे बनाया। मैं हूं क्या, मैं तो बड़ा छोटा मोटा आदमी हूं। मैं अपने को इस दिशा में ले जाने का काम किया कि मैं काम करके दे दूं। इसके बाद लोग जो कहेंगे काम के आधार पर बोलेंगे। शिवराज जी भी इसी मैहर में बोले थे कि मैं मैहर में इतना काम किया हूं जितना अपनी विधानसभा में नहीं किया। तो काम कराने की क्षमता होनी चाहिए। मैं मैहर में काम किया हूं, ये तमाम चीजों के प्रमाण देने की मुझको कहीं कोई जरूरत नहीं है। और मेरा राजनीति का उद्देश्य, मेरा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं दो बार दल बदला, आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि नारायण त्रिपाठी अपने व्यक्तिगत हित में क्या किया, नारायण त्रिपाठी का व्यक्तिगत स्वार्थ क्या हुआ। नारायण त्रिपाठी राजनीति किया तो ईमानदारी के साथ, जब तक राजनीति करूंगा तो इस मैहर का विकास, इस बिंद का विकास ही करता रहूंगा, इसी के बारे में सोचता रहूंगा। वही दिग्विजय सिंह के बेंगलुरु दौरे का बचाव करते हुए नारायण त्रिपाठी ने कहा कि एक राज्यसभा का उम्मीदवार होने के नाते उन्होंने अपने विधायकों से मिलने की कोशिश की है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही उन्होंने विधायक अरविंद भदौरिया पर हमला करते हुए कहा कि उनका बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि बेंगलुरु में विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। कोई राज्यसभा का चुनाव लड़े, वोटर कौन है उनका? वोटर तो वही विधायक है। तो वो राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला आदमी वोटर के पास वोट मांगने तो जाएगा। अब कर्नाटक में जो सरकार है, यदि वही सबको बंधक बनाना चाहते हैं तो बात अलग है। तो दिग्विजय सिंह का इसमें अपराध कहा? वो तो वोटे मांगने गए कि भाई मुझे वोट दे दो, मुझसे मिल लो। मिलने का मतलब कोई थोड़ी होता है कि मिल जाएगा तो वोट हम दे देंगे। फिर उनके दल के तो अपने दल में तो लोग वोट मांगने जाएंगे। अब वहां इस तरह गिरफ्तारी हुई, कोई दिग्विजय सिंह गुंडागर्दी किए रहो, यदि गिरफ्तारी हुई तो गलत है, निंदा करता हूं। अरविंद भदौरिया जी का जो बयान था कि जो विधायक बंगलोर में है सब ठीक ठाक है, मैं चुनौती देता हूँ दिग्विजय सिंह को कि मैं जा रहा हूं वहां, उनमें ताकत हो तो जो मेरा कर सके करें। इससे सिद्ध नहीं होता क्या कि बंधक बनाए गए हैं? बंधक जैसी स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर है जिस प्रेशर के तहत उनको वहां रखा गया। अन्यथा यदि कोई प्रेशर नहीं है तो कोई आदमी कहीं जाके कैद होके नहीं रहता, खुलेआम घूमता, खुलेआम भागता है, वो जनप्रतिनिधि है।
कुल मिलाकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अब अपने रुख से स्पष्ट कर चुके हैं कि वो एक बार फिर पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं बीजेपी भी अब उनके रुख को भांपते हुए सदन में अपने विधायकों की संख्या 106 बता रही है। राज्यपाल को दिए गए विधायकों की सूची में भी मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का नाम शामिल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मैहर।